हेलो हाय हाय आप भी आओ ना मैम। हेलो आओ ना मैडम, इतना दूर से फॉलो करके आते हैं। भीग जाओगे आप तो। थोड़ा आगे आ जाओ। हेलो हम अपने घर में फॉलो कर रहे हैं सर। कल कुछ न्यूज के बारे में कुछ बोल सकते हैं जो वो बहुत इट्स वेरी सैडनिंग एंड वेरी शॉकिंग। सिद्धार्थ को मैं बहुत अरसे से मिला नहीं था, बट हमने एक साथ काम किया था झलक में बहुत पहले। एंड ही इज अ ब्रिलियंट, ही विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। एंड बहुत अच्छी यादें हैं। एंड आई एम श्योर के जितने लोगों को भी मौका मिला सिद्धार्थ से मिलने का, वो यही कहेंगे कि दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था। एंड ही विल ऑलवेज मिस हिम। टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है बोल रहे हैं। इट इज यार, इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एंड मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स वी हैड। कमी तो खलेगी सिद्धार्थ की हमेशा, बट कोई दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला हो नहीं सकता। कोशिश भी मत करना, बन नहीं पाएगा। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू मैम आप कुछ बोलेंगे? इट्स जस्ट मैं ऑब्वियसली पर्सनली नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ को, लेकिन वो इतना काम कर चुके हैं कि उनके साथ उनके हर कैरेक्टर से कनेक्ट ऑब्वियसली मेरा हो चुका था। बट ऐसी खबरें इतनी सुनी है ना पिछले सालों में, हमने हमारे इतने को एक्टर्स या फेलो एक्टर्स को खोया है पर्सनली कोविड की वजह से, फैमिलीज में इतना लॉस हुआ है कि अब एक वो स्टेज होती है नमनेस की ना, वो आ गई है कि ना ज़्यादा दुख होता है ना ज़्यादा खुशी होती, लाइफ ऐसी हो गई है कि अच्छा एक और लॉस। सो आई डोंट हैव वर्ड्स, बट लाइफ इज़ वेरी फ्लैट नाउ, फ्लैट लाइन जैसी लाइफ होगी है। सो या बट माय हार्ट गोज़ आउट टू हिज मदर, माय हार्ट गोज़ आउट टू शहनाज। द लॉस इज़ इरिपेरेबल, हमारा कुछ कहना करना विल नेवर हेल्प, दिस इज़ अ स्कार, जिंदगी भर रहेगा उनके पास। बट the strength they got, well, that's all. Thank you.